बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सएप बॉलीवुड के साथ। जिस तरह से आप हमने देखा कि कॉशन ले रही है, मास्क पहन रही है, थोड़े थोड़े टाइम से सैनिटाइज से, एज एन एक्टर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है? बहुत, क्योंकि एक एक्टर सबसे ज़्यादा रिस्क में होता है, क्योंकि देखो टेक्नीशियंस जो इर्द गिर्द हैं वो 24 आवर्स मास्क ग्लव्स वगैरह पहन सकते हैं, लेकिन एक एक्टर को एक तो बाहर के कॉस्ट्यूम पहनने पड़ते हैं तो उनको सैनिटाइज करके पहनना पड़ता है, तो वो एक पहला तो वो ही रिस्क होता है। फिर मेकअप आर्टिस्ट, हेयर ड्रेसर्स ज़्यादातर उन पर काम करते हैं और उनको शूटिंग के दौरान वो मास्क नहीं पहन सकते, ग्लव्स नहीं पहन सकते, तो मुश्किल तो है ही और उनसे उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, सेफ्टी के साथ काम करना पड़ेगा। दुनिया रुक नहीं सकती, लेकिन हाँ सेफ्टी के साथ आगे जा सकती है। और मैं यही कहूँगी सब दर्शकों को कि आप सेफ रहिए, जो मास्क है, ग्लव्स है, सैनिटाइजेशन है, आपके डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशंस है, आप ये यूज़ करो, सैनिटाइजर्स यूज़ करो, मास्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इन महीनों में बड़े सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करो, दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट।